खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। की बड़ी खबर है और ये खबर हजारों अभ्यर्थियों के उम्मीदों को तोड़ने वाली, कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ा देने वाली एक खबर, क्योंकि पेपर होना था माध्यमिक शिक्षा सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, आज जीके का पेपर निरस्त किया गया है। सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी लिखित परीक्षा, लेकिन आरपीएससी को उदयपुर में हुई गड़बड़ी की आशंका मिली और इसके बाद आरपीएससी ने पेपर को निरस्त किया है। अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया गया, लेकिन क्या वाकई में ये फैसला अभ्यर्थियों के हित में है? क्योंकि अभ्यर्थी तो परीक्षा देने पहुंचे थे, उन्हें लग रहा था कि आज के बाद हो सकता है उनकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और यहां से एक नए जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन एक बड़ा झटका अभ्यर्थियों की उम्मीदों को मिला है। चलिए, सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। शुभम, देखिए, एक बड़ा प्रकरण सामने आया है कि जीके का पेपर जो है निरस्त हुआ है। आप हमें क्या जानकारी शुभम इसके बारे में दे सकते हैं? क्या अभी किसी सेंटर पर मौजूद है? वहाँ की स्थिति हम एक बार आपसे समझना चाह रहे हैं शुभम। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा ये एक बड़ी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही थी, जिसके अंदर प्रदेश भर के करीबन 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल थे, जिसमें से जो आज जीके की परीक्षा जो आयोजित हो रही थी वो परीक्षा जो है वो निरस्त हो चुकी है। और परीक्षा निरस्त होने के साथ ही पूरे प्रदेश में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है आरपीएससी जो है वो अपने आप में एक जानी मानी संस्था बताई जाती है, और इस तरीके से पेपर लीक होना कभी इस तरीके की बातें सामने नहीं आई, लेकिन आज जो पेपर लीक होने का मामला सामने आया उसके बाद आरपीएससी ने तुरंत एक्शन लिया और पेपर सुबह जो 9 बजे शुरू होना था उससे पहले ही इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अगर ये परीक्षा होती और उसके बाद फिर आरोप लगते तो उसको लेकर के लगातार जो है वो कई पहले आरपीएससी के अलावा बोर्ड ऑफिस में भी इस तरह की घटना हो चुकी है, उसके बाद आरपीएससी लगातार कुक कुक करके कदम रखता, लेकिन उसके बावजूद ये परीक्षा निरस्त हो गई, तो एक अपने आप में बड़ी चीज है, जिसको लेकर के अब जो आयोग है उसके अंदर तमाम अधिकारी पहुंचने लगे हैं। आयोग जो प्रशासन है उसमें भी हड़कंप सा मचा हुआ है और लगातार अब उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के अंदर चर्चाएं भी चल रही है और कुछ अधिकारी आपस में बैठकें भी कर रहे हैं। हो सकता है कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आयोग के कर्मचारी या किसी का हाथ भी हो सकता है, उसको लेकर के अब जांच की जाएगी, जांच कमेटी बैठाई जाएगी। मैं आपको बता दूं, अभी आयोग का 2 दिन पहले जो स्थापना दिवस है वो स्थापना दिवस हुआ था, उसके दौरान आयोग के जो अध्यक्ष संजय श्रोत्री उन्होंने बताया था कि हम किसी भी तरीके से देरी नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि परीक्षाएं लेट हो जाती है और भर्तियों में देरी होती है, लेकिन जो पेपर लीक की बात थी उन्होंने दावे के साथ कहा था कि हमारी परीक्षा इतनी पारदर्शिता तरीके से होती है, कहीं पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं बनता, लेकिन उनके जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आए जब आज ये परीक्षा जो है उसका पेपर आउट हो गया और उसके बाद ये परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। हालांकि आगामी कार्यक्रम क्या रहेगा इसको लेकर के अब बैठक होगी, स्कूल कमीशन की बैठक होगी, उसके बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन अजमेर सहित पूरे प्रदेश के अंदर जो आयोग कार्यालय है वहां पर भी हड़कंप समझ गया है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा जो अपने आप के अंदर बताया जा रहा था कि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा ये थी, क्योंकि 12 लाख अभ्यर्थी इसमें जो आरपीएससी की जो ये परीक्षा है इसमें 12 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे, तो 12 लाख अभ्यर्थियों में से जो इस परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले थे कुछ लाख अभ्यर्थी उनका अब जो है जो उनकी जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई, लेकिन अब उनको और समय का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पेपर लीक हो गया, लेकिन आयोग ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया और तुरंत ही पेपर को शुरू होने के कुछ चंद मिनटों पहले ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि जो आगे का कार्यक्रम होगा उसको लेकर के पहले फुल कमीशन की बैठक की जाएगी, जिसके अंदर निर्णय लिए जाएंगे, उसके बाद ही आगे के कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, ना सिर्फ 12 लाख अभ्यर्थी बल्कि 12 लाख परिवार के सपने कहीं ना कहीं टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए एक बार आपको फिर से बता दें, उदयपुर से बड़ी खबर है, बेकरिया थाना इलाके में एक बस को पकड़े जाने की सूचना है। बस में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मौजूद थे, इसी बस से कुछ पेपर मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस और एसओजी की टीमें मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अब इसकी पुष्टि भी की है आरपीएससी सचिव हरजीलाल अटल ने, पुष्टि की है फर्स्ट इंडिया पर, पुष्टि की इस बात की कि पेपर को निरस्त किया गया है और तार इसके जुड़े। देखिए, बड़ी परीक्षा थी, 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होने थे, आज सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी परीक्षा, लेकिन अब परीक्षा को निरस्त किया गया है। और चलिए हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी रवि शर्मा, मैसेज जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो कर दी है आरपीएससी सचिव ने, लेकिन रवि अभी भी बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कौन वो लोग थे जो बस में सवार थे और पेपर जो उनके पास मौजूद थे वो किस तरह के पेपर, ये लगातार मन में शंका बनी हुई। रवि, इस पर स्थिति कब साफ होगी?
बिल्कुल देखिए, अब सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी है कि भेकरिया थाना पुलिस को सूचना थी कि एक बस जो है जो संभवतः जालौर की तरफ से आई है उस बस को रोका गया और उस बस में द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके अभ्यर्थी थे, कुछ टीचर्स भी थे और उनके पास कुछ पेपर थे जिनको कि टीचर्स सॉल्व करा रहे थे। इस पर पुलिस ने उनको सभी लोगों की जांच की तो जो पेपर मिले उनको वेरीफाई कराया और उसके बाद में आरपीएससी ने इस पेपर को निरस्त किया है। और सबसे पहले ये खबर फर्स्ट इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से एक बस को पकड़ा गया है और उस बस में जो लोग सवार हैं उनमें कुछ अभ्यर्थी हैं और कुछ टीचर्स हैं। तो फिलहाल पुलिस इन तमाम लोगों के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डीएसटी की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, डीएसटी के जो पुलिस कार्मिक हैं वो भी लगातार जो है एक तरीके से कहे तो छापेमारी भी कर रहे हैं कि कहां कहां पर ये पेपर सर्कुलेट हुआ है, कौन कौन लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है और किस तरीके से ये पेपर आउट हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर उदयपुर पुलिस खुद पूरे पड़ताल कर रही है। आला अधिकारी जो है वो भेकरिया थाने पहुंच चुके हैं और अब जो है इस बाबत जानकारी जुटाई जा रही है कि इन लोगों के पास पेपर कहां से आए, इन्होंने कहां पर ये पेपर दिए, किस तरीके के पेपर थे और जो पेपर और जो भी दस्तावेज उनके पास मिले हैं उनका फिलहाल वेरिफिकेशन चल रहा है और इस बाबत आला जो अधिकारी हैं इसके अलावा आरपीएससी के जो अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है। जी रवि, एक और आपसे जानकारी चाहेंगे, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए जो जीके का पेपर निरस्त किया गया है इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास है कि कब दोबारा पेपर को संपन्न करवाया जा सकता है, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ बिना किसी गड़बड़ी के? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो एक बड़ी चुनौती ये है कि ये जो पेपर है चूंकि काफी एक दबाव होता है, एक तरीके से कहें तो जिस तरीके के हालात पिछले कुछ समय से बने हैं तो एक दबाव होता है। आरपीएससी भी काफी जो है इस पूरे मामले में संवेदनशील थी कि इस पूरे मामले इस पेपर को बहुत अच्छे से और पारदर्शिता के साथ कराया जाए, लेकिन जो पेपर आउट हुआ है या जिस भी वजह से ये जो आज की परीक्षा निरस्त की गई है तो अब आगामी इसकी तिथियां तय की जाएंगी। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पेपर कैसे निरस्त हुआ, आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी लोगों को ट्रेस आउट किया जाए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले क्योंकि इतनी तादाद में जो परीक्षार्थी हैं और जिस समय पेपर निरस्त करने की घोषणा की उससे काफी घंटों पहले परीक्षार्थी जो हैं वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके थे, अंदर एंट्री कर चुके थे। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये बस जो है इसमें जो लोग सवार हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है अभी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आरपीएससी ने इस पूरे पेपर को आज का जो पेपर है उसको निरस्त कर दिया है। जी रवि, एक और पीएससी सचिव फर्स्ट इंडिया पर जुड़े और उन्होंने बताया कि पेपर को निरस्त किया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बस की बात लगातार की जा रही है, जो पेपर मिलने की बात लगातार की जा रही है, उनको लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि कब होगी और अगर वाकई में कोई बस पकड़ी गई है, क्योंकि गड़बड़ी उदयपुर में होना बताया गया, तो कहां लेकर गया जाया गया है फिलहाल बस को और कहां पर है वो लोग मौजूद जिन पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है? जी बिल्कुल, देखिए शिका, ये एक सूचना थी, एक इनपुट था उदयपुर पुलिस के पास कि एक बस जो संभवतः जालौर की तरफ से आ रही है और उसको रोका गया भेकरिया थाना सर्कल में। उस बस को रोक के वहां पर जब जांच की गई तो उसमें जो लोग मिले उनमें अधिकांश जो है वो द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे। इसके अलावा कुछ टीचर्स जो हैं वो बताए गए हैं जो कि उनको पेपर सॉल्व करा रहे थे। इस तरह की जानकारी जो है वो अभी तक बाहर आ पाई है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन जो SHO भेकरिया हैं उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ एक बस थी जिसको रोका गया और उसमें से जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और ज्यादा जानकारी आला अधिकारी शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये तो चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि उस जो बस थी, जो गाड़ी थी जिससे इन अभ्यर्थियों को पकड़ा है और उनके पास से जो पेपरों की बरामदगी हुई है वो या मैच हुए हैं और इसी वजह से आरपीएससी ने इस एग्जाम को निरस्त किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है, चूंकि कोई और भी लोग जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी हो जाए
ताकि जल्द से जल्द जो पूरा मामला है उसका खुलासा हो सके। और यही वजह है कि फिलहाल पुलिस जो है ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रही है, और भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है उनको भी इस बाबत सूचना दी जा रही है। अगर कुछ लोग इसमें जो मिले हैं उनके दूसरी जगह पर अगर कुछ कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का है और एक गंभीर विषय है। तो ऐसे में पुलिस जो है बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रही है कि इस पूरे मामले को जल्दी से बहुत ज्यादा सूचनाएं जो है वो साझा नहीं कर रही है। रवि देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन ये खुलासा एक दिन पहले नहीं, दो दिन पहले नहीं, बल्कि एग्जाम होने के कुछ मिनटों पहले ये खुलासा हुआ है। तो क्या इसकी इनपुट लगातार पुलिस और एसओजी को पहले से मिल रहे थे? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि जब एक तरह से ये अंजाम देने की कोशिश करेंगे जो नकल गिरोह है, तब इसको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए शिखा, ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन इनका जल्दी उत्तर जो है पुलिस के आला अधिकारी देंगे, क्योंकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और देखिए, समझने की बात ये है कि चूंकि इसमें जो लोग पुलिस ने जिन लोगों को पूछताछ के लिए रोका है उनके कहाँ कहाँ कनेक्शन है, उन लोगों ने कहाँ कहाँ पर ये पेपर सर्कुलेट किए हैं, और अथवा उनके पास ये पेपर कहाँ से आए हैं, और जो पेपर है वो हुबहू वही पेपर है जो आरपीएससी का है, अथवा कोई चेंजेज है, ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होगा। आरपीएससी के अधिकारियों को इस बारे में बता दिया गया है, आरपीएससी के अधिकारी इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि किस अगर कुछ पेपर मिले हैं, ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो पता चल पाएगा कि पेपर कहाँ से आउट हुआ, पेपर आउट हुआ अथवा उसकी फोटोकॉपी की गई अथवा कुछ और चीजें हैं, ये सभी चीजें फिलहाल जांच का विषय है। जी रवि, एक और सवाल, जो लोग बस में मौजूद होना बताया जा रहा है अभ्यर्थी हैं, उनमें कौन शामिल है? अधिकतर महिलाएं हैं या फिर पुरुष अभ्यर्थी हैं उनमें? बिल्कुल, देखिए शिखा, जब बस को रोका गया था बहुत अल सुबह की ये बात बताई गई है, और बहुत गोपनीय ढंग से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। काफी देर बाद ये सूचना जो है वो लीक हुई, और जो लोग हैं, कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, इस बारे में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं दी है। सिर्फ ये बात कंफर्म जरूर करी है कि हाँ, कुछ लोगों को रोका है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इन तमाम कनेक्शंस हैं उनको खंगाला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी तक पुलिस ने साझा नहीं की है, और हम कोशिश कर रहे हैं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कि जल्द से जल्द और डिटेल सामने आए, ताकि हम आप तक उन डिटेल्स को पहुंचा सकें। जी रवि, देखिए ये तो बात हुई कि पेपर निरस्त हुआ किस तरह से, हालांकि जांच पड़ताल इस पूरे विषय में हो रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो आज पहुंचे थे परीक्षा सेंटर एग्जाम दे रहे थे, उनसे आपकी किसी से बात हो पाई? किस तरह से आज उनके सपनों को एक तरह से धक्का लगा है, क्या आपकी किसी से बात हो पाई? किसी का दर्द अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए। बिल्कुल, देखिए माफ कीजिएगा शिखा, जाहिर सी बात है कि काफी तादाद में अभ्यर्थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आए थे। जालौर के जो बंदे हैं, जैसा कि इस बस में बताए गए, वो उदयपुर देने आ रहे थे एग्जाम। उदयपुर से काफी तादाद में, हजारों की तादाद में बच्चे जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देने गए हैं। सर्दी का समय है, सुबह 7 बजे उनको रिपोर्ट करना था जो परीक्षा केंद्र है वहां पर, 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी। काफी तैयारियां, मन में सपने जो है वो सजे हुए ये अभ्यर्थी जो है एक कष्ट कह सकते हैं, क्योंकि यात्रा में कष्ट होता है, सर्दी का समय है, उस कष्ट को झेलकर जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, एग्जाम देने पहुंचे। और अब आप देखिए कि जब आरपीएससी ने इस पेपर को निरस्त करने की घोषणा की है, तो किस तरीके से उनका जो एक तरीके से कहे तो उनका सपना जो है वो टूट गया है। काफी दूर दूर से लोग आए हैं, कहीं पर अपनी व्यवस्थाएं करिए, काफी खर्चा जो है वो उनका होता है, होटल्स में रुकना, आना जाना, ये जो तमाम चीजें हैं ये भी एक परीक्षार्थी के लिए कड़ी वेदना कह सकते हैं। और काफी समय से इंतजार कर रहे थे, एग्जाम की घोषणा हुई, एग्जाम की तिथियां आई, उसके बाद जब एग्जाम देने सेंटर पर भी पहुंच गए, और उसके बाद ही अगर सूचना आती है कि परीक्षा जिसको देने के लिए वो एग्जाम सेंटर में अंदर एंट्री कर चुके हैं वो एग्जाम निरस्त कर दी गई है, तो आप सोचिए किस मन पर किस तरह की, एक तरीके से कहे तो वेदना, एक तरीके से कहे तो वज्रपात जो है वो होता है दिलों पर। और ये एक सिर्फ एक अभ्यर्थी नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल, और ये तमाम सवाल एक अभ्यर्थी के मन को भी कचोट रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यही कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आज होने वाला जीके का पेपर निरस्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, और पूरी जानकारी के लिए।